नरसिंहपुर जिले के गाडावर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मोहपानी में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव के द्वारा नहीं फहराया गया तिरंगा। जहां एक तरफ गांव से लेकर प्रदेश और पूरे देश में घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है, वहीं ग्राम पंचायत में मोहपानी में तिरंगा न फहराना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, क्यों तिरंगा नहीं फहराया जा रहा इस गांव में? इस पूरे मामले को लेकर जब हमने ग्रामवासियों से पूछा तो काफी उनमें आक्रोश भी देखने को मिला। वहीं आगे देखना यह है कि अब जिम्मेदार अधिकारी इनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है ग्रामवासियों की जुबानी मोहपानी में तिरंगा न फहराने की पूरी कहानी। सरपंच आए थे आज? आप बताइए, आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच सचिव आए थे यहाँ पे आज? सरपंच नहीं है, सरपंच बड़ा गाँव में झंडा फहराए हैं और सचिव में यहाँ राति करार उनकी मेन पंचायत है। नहीं, आप उनकी सफाई मत दीजिए, आए थे कि नहीं आए? नहीं, और झंडा फहराया था ग्राम पंचायत में? सही बताइए आप। नहीं फहराया। आपका नाम क्या है? मोहनलाल ठाकुर। अच्छा, यहाँ आइए आप सामने। आपकी ग्राम पंचायत में शिवराज जी बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में घर घर झंडा फहराओ, आपकी ग्राम पंचायत में झंडा क्यों नहीं फहराया? नहीं फहराया ना आज तक, अभी तक कोई झंडा नहीं फहराया। अच्छा, सरपंच सचिव जो हैं, हाँ हाँ, गाडरवारा निवास करते हैं, हाँ हाँ, वो लोग डबल भार में हैं, हाँ हाँ, तो वे लोग अपन फोन करते हैं, उनको बुलाते हैं तो वे कहते हैं हम राति करार में, और राति करार वाले फोन करते हैं मोहपानी में। अच्छा, इसलिए हमारे को तो एक सचिव अलग से ही चाहिए। अच्छा, ये तिरंगे झंडे का ये राष्ट्रीय अपमान है अपने ग्राम पंचायत में, जब शिवराज जी बोल रहे हैं घर घर तिरंगा फहराना चाहिए तो अपनी ग्राम पंचायत में नहीं फहराया, इसमें आप लोगों को के मैं गुस्सा है। गांव वाले सब लोग नाराज हैं क्या? हाथ उठा के बताइए, नाराज हैं? जी, चलो धन्यवाद।